नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और गुड मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय मिनर्वा कोचिंग इंस्टीट्यूट घुमारवी। लापरवाही कहें या कुछ और, बड़ा हादसा टला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेश आई घटना। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने धर्मशाला स्टेडियम में लगाए जमकर शॉट, कल तक जारी रहेगा यह क्रम। सरकार कर रही स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च, रेलवे स्टेशन पर सफाई में जुट गए रणधीर शर्मा। और अब खबरें विस्तार से। खंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूर्या का मातृ शिशु केंद्र भवन की दीवार रात को अचानक गिर गई। अगर यह दीवार कहीं दिन में गिरती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। रात को दीवार गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन सहित आवासीय भवनों की खस्ता हाल स्थिति की आवाज एक सप्ताह पहले दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता से उठाई थी। हालत यह है कि अभी मातृ शिशु केंद्र भवन की दीवार गिरी है। स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य भवन की दीवार भी कभी भी गिरकर किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इसी तरह आवासीय भवन भी खस्ता हाल है और अगर शीघ्र इनकी मुरम्मत नहीं करवाई गई तो किसी भी अनहोनी को न्योता मिल सकता है। मातृ शिशु केंद्र भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लाखों रुपए की दवाइयां इत्यादि भी रखी रहती हैं। वहीं इसी भवन में बच्चों को दवाई भी पिलाई जाती है तथा स्टाफ के साथ साथ भारी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। भारत इंग्लैंड के धर्मशाला में होने वाले 7 से 11 मार्च तक टेस्ट मैच को लेकर दोनों ही टीमें 2 दिनों तक अभ्यास करेंगी। इसके तहत मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम में वार्म अप व हल्का अभ्यास करने के बाद नेट में गेंदबाजी व बल्लेबाजी कर शॉट लगाए, जबकि दूसरे सत्र में 1:30 बजे से 4:30 तक भारतीय टीम अभ्यास करेगी। 6 मार्च बुधवार को सुबह 9:30 से 12:30 बजे भारत, जबकि दोपहर बाद 1:30 से 4:30 बजे तक इंग्लैंड की टीम अभ्यास करेगी। उधर HPCA के प्रेस सचिव मोहित सूद ने बताया कि टीमों के पहुंचने के बाद शेड्यूल के तहत अभ्यास सत्र करवाए जा रहे हैं। सर, आज धर्मशाला में यहाँ 7 से 11 तक टेस्ट मैच होना है, किस तरह की तैयारी है HPCA के और प्रैक्टिस सेशन किस तरह से लेगा? HPCA की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और प्रैक्टिस सेशन इंग्लैंड का भी चला हुआ है, 9:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद इंडिया टीम का स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे से। तैयारियाँ किस तरह की हैं सर HPCA? HPCA तैयार है, हम सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ पे अगर बारिश का रहता है तो किस तरह से सर? देखिए, बारिश के लिए तो हम अपनी यहाँ के आराध्य देव इंद्रनाग जी के पास अपना प्रार्थना पत्र लगा चुके हैं। अब बारिश होती है तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि 7 मार्च को जो है एक्यू वेदर के हिसाब से सुबह काफ़ी जो है बर्फबारी है वो पल्ली क्षेत्रों में और नीचे जो है बरसात रहेगी और ऐसे ही 7 से लेकर 11 मार्च तक जो है बारिश और बादल जो है बादल छाए रहेंगे और बारिश होती रहेगी। देखिए, जो फोरकास्ट है फोरकास्ट में तो बताया गया है, लेकिन पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पूरे धर्मशाला में बारिश हो रही होती है और स्टेडियम में बारिश नहीं होती है, तो भगवान की हमारे पे इतनी कृपा रहती है हमेशा। अभी HPCA ने जो पिछले मैच हुए IPL वर्ल्ड कप के मतलब सफल आयोजन किया और इन मैचों को लेकर आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा 5 दिन का टूर? देखिए, HPCA ने आज तक जब भी कोई भी आयोजन किया वो सफल ही गया है, तो इसी कड़ी में ये मैच भी सफल ही जाएगा। मुझे क्या लगता है कि जैसे पिछली बार जब टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था तो इंद्रनाग देवता के कन्या पूजन वगैरह जो है यहाँ पे ग्राउंड में किया गया था, तो क्या इस बार भी मैच शुरू होने से पहले कुछ ऐसा है? जी, कन्या पूजन 7 तारीख को सुबह 8 बजे किया जाएगा, जैसे हमेशा की प्रथा रहती है, इस बार भी उसी प्रथा के चलेगी। पर्यटन व्यवसाय की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से पर्यटन व्यवसाय यहाँ पे मतलब ना के बराबर है। IPL मैचों में काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आया, पर्यटकों को बढ़ावा मिला, रोजगार जो उनका, तो आपको लगता है कि मैचों में भी जो पर्यटन व्यवसाय उभरेगा? जब भी किसी भी शहर में कोई बड़ा इवेंट होता है तो निश्चित तौर पे पर्यटक आते ही आते हैं और इस बार तो बर्फबारी भी लेट हुई है, पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है, तो उम्मीद है कि पर्यटक और खेल प्रेमी आएंगे यहाँ पे। VIP मूवमेंट क्या रही, कौन कौन आया?
देखिए वीआईपी मूवमेंट के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, दलाई लामा जी को, सबको हमने इनवाइट किया है। अब जैसे कंफर्मेशन आती है हम आपसे शेयर कर देंगे उसको। विशाल जी, अब तक जो है मैच के लिए कितनी टिकटें जो हैं बुक हो चुकी हैं और कितनी जो है बिक चुकी हैं? देखिए 60% के करीब जो टिकट है वो ऑनलाइन सेल हो चुकी है और बाकी जो है काउंटर भी लगा दिया गया है, ऑफलाइन सेल चली रही है। रेलवे स्टेशन पर सफाई करते नजर आए विधायक रणधीर शर्मा। जी हां, ऐसा कुछ देखने को मिला। रेलवे स्टेशन कीरतपुर साहिब में मौका था राम भक्तों को आस्था ट्रेन से अयोध्या जाने का, जहां नैना देवी क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राम भक्तों को रवाना किया गया और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पड़ी खाली बोतलें और कूड़े को विधायक ने खुद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्टेशन पर सफाई की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता परम धर्म है और सरकार स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।